अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैंने एक वीडियो देखी थी जिसका टॉपिक था को वर्किंग स्पेस। को वर्किंग स्पेस की काम क्या है? काम उसका ये है कि आप एक ऑफिस बनाओ और वहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, और वहाँ पे बंदों को कैसे नेटवर्क दिया जाए, और आपकी इर्द गिर्द आपके जो है ना काम वाले बंदे कहाँ से आए, कैसे आए। तो उसके लिए बड़े लोग जो हैं, जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज बनाते हैं, वो को स्पेस बना लेते हैं कि पाकिस्तान में आजकल कम में इतना नहीं है। कल मैंने विजिट किया था पाशा को, तो वहाँ पे ये चीज़ थी। जब ये चीज़ आप को स्पेस बना लेंगे तो वहाँ पे आपको मेंटोर अच्छे मिल सकते हैं, दूसरी कंपनीज के जो बंदे आएंगे आप उनसे मिलेंगे, आप उनसे आइडियाज़ ले सकते हैं, उनको आइडियाज़ दे सकते हैं। तो आप लोगों के अंदर क्या होगी, नॉलेज बढ़ेगी, आप लोगों को आइडियाज मिलेंगे ज्यादा से ज्यादा। जैसे जैसे आप लोगों को आइडियाज मिलता जाएगा, आप लोगों के जो माइंड में चीजें बंद पड़ी हुई है वो खुलती जाएगी। तो को स्पेस वर्किंग से ये बहुत बड़ा फायदा है हमें कि हमें ऐसी जगह पे ऑफिस खोलनी चाहिए। और उसमें एक बड़ा बेनिफिट ये कि आप बड़ी ऑफिस नहीं खोल सकते हैं, उसके लिए आपको इतना पैसा नहीं है। तो आप वहां पे एक इक्यूबेटर ले लिया, एक टेबल, दो चेयर, तीन चेयर ले ली, और वहाँ पे आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और अच्छे तरीके से चला भी सकते हैं, और पैसे भी कमा सकते हैं। तो को वर्किंग स्पेस से ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, बहुत बड़ा फायदा है। तो ये पाकिस्तान में, ये कराची में होना चाहिए। मैंने आज जो वीडियो से सीखा कि आपके लिए जे यहाँ पे ये फैसिलिटेटेड हो, तो आपके लिए पैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बिजनेस करने के लिए, आपके आइडियाज इम्पोर्टेंट है। और आप लोगों को वहाँ पे जैसे जाओगे आप किसी से मशवरा कर सकते हो, किसी से सजेस्ट ले सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, और किसी को दे भी सकते हो। तो ये आप लोगों, जैसे आप किसी को एडवाइस दोगे तो वो आपके अंदर जो है ना वो और जो है ना आपकी एडवाइस एक और नई एडवाइस जन्म ले लेगी, और वो आपकी पूरी लाइफ याद रहेगी आपको, और उस बंदे को भी याद रहेगी कि ये चीज़ मैंने वहाँ पे सीखी थी। तो ये पाकिस्तान में ज़्यादा बनने चाहिए और बनाना चाहिए। थैंक यू।